कोरोना वायरस के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए सराफा मंडल के अध्यक्ष पंकज गोयल ने शुक्रवार को सराफा भवन में सराफा मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए सरकार द्वारा शनिवार रविवार बंदी के बावजूद सोमवार मंगलवार बुधवार को भी दुकानें बंद करने के लिए सभी सराफा व्यवसायियों से अनुरोध किया। इस मौके पर सराफा मंडल के अध्यक्ष पंकज गोयल ने व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि आप लोग कोरोना महामारी को देखते हुए सभी सराफा व्यवसायी अपनी अपनी दुकानें बंद कर इस महामारी के चेन को तोड़ने का प्रयास करेंगे। इस दौरान सराफा मंडल के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सराफा मंडल के अध्यक्ष पंकज गोयल ने कहा, देखते हुए तीन दिन के लिए हम लोग घोषणा कर रहे हैं। अब यह हम लोगों को जैसा उम्मीद है कि अभी सरकार का जो कदम है बहुत बड़ा है कि आप आपके तेज तरह से इंस्पेक्टर से लेकर और रही बात अपनी सुरक्षा अपने हाथ में भी अपनी बात ही करते हैं। आज हम बंद की घोषणा करते हैं, आप नहीं मानना चाहिए आपको बातें यहाँ इसीलिए सबको बनाए गए एक दूसरे का मत भी आदमी जान ले और चूंकि बंद इस समस्या का समाधान नहीं है हम लोग भी जानते हैं तो देखते हुए बंद ही जरूरी है। इस क्रम को तोड़ने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, तीन दिन का हम लोग चैन ये बना रहे हैं, दो दिन सरकार बना रखी है, पाँच दिन की चैन को हम लोग देखा जाए। आपको शायद अभी अपने ही बाजार में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस समाज को अप्लाई हो गए जिस कदर से ये बढ़ रहा है तो वो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। हमारे बीच से बहुत से लोग धीरे धीरे कम भी होते जा रहे हैं और बहुत से लोग बीमार भी हैं। इस बीमारी को देखते हुए आज सराफा मंडल एक बैठक सुनिश्चित की है कि हम लोग भी इस क्रम में तीन दिन की बंदी की अभी घोषणा करते हैं और आगे इस चैनल को कैसे तोड़ा जाए, इस कोरोना महामारी के चैनल को तोड़ने के लिए हम अभी तीन दिन की बैठक बंदी की घोषणा करेंगे और आगे देखेंगे कि अगर ये ठीक रहा, इससे अगर कुछ हद तक अपने दुकानदारों को अपने स्टाफों को या अपने वहाँ जुड़े जो कारीगर समिति है उनको बचाने में कुछ हद तक अगर ठीक समझ में आता है। आज की बैठक कोरोना महामारी को देखते हुए बुलाई गई है क्योंकि ये जिस तरह का रूप ले रखा है वो किसी से छुपा नहीं है। आज हमारे बीच अपने मिलने जुलने वाले कम होते चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी भी कमियां हैं। सरकार की जो गाइडलाइन है, जो सुरक्षा की व्यवस्था है, सरकार बार बार कह रही है हम लोगों से, हम लोग पालन भी करते हैं लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसको पालन भी नहीं कर रहे हैं। उसी के क्रमबद्ध तरीके में हम लोगों ने, चूँकि सरकार की गाइडलाइंस वीकेंड की है शनिवार और इतवार की, उसी को देखते हुए हम लोगों ने सोम मंगल बुध तीन दिन की और बंदी बढ़ाई है। चूँकि इस चैनल में पाँच दिन की ये बंदी हो जाएगी तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के पूरे बाज़ार को सुनिश्चित भी करेगा कि क्या इसका रिस्पांस रहा है और अगर इसका रिस्पांस ठीक ठाक अपने सराफा में दिखा तो ये बंदी आगे भी बढ़ सकती है। देखिए लगन का पीरियड है, हम लोग जान रहे हैं कि ये हम व्यवसायियों के लिए बहुत ही नुकसान का समय है इस बंदी में, लेकिन अगर जान है तभी तो आगे हम कमाएंगे या परिवार जिलाएंगे। हम लोग अपील भी करते हैं उन तमाम लोगों से जो लोग शादी अपना ठान रखे हैं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी शादियाँ कैंसिल भी हो गई हैं, इस क्रम में अगर हो सके तो अपनी शादी को और आगे बढ़ावें क्योंकि अगर आप जिंदा रहेंगे तभी तो खुशी मनाएंगे। पैसा प्राथमिकता नहीं है, प्राथमिकता है जीवन। हम स्वस्थ रहें, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, हमारे मिलने जुलने वाले स्वस्थ रहें, यही कामना है हमारी और निवेदन भी है कि आप इस पर ध्यान दें और बंदी में सहयोग करें।